लिए पीछे लगा दिया गया है और ईडी बेवजह परेशान कर रही है चुने हुए जनप्रतिनिधि को। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, एक बार फिर से प्रोटेस्ट का दौर शुरू हो चुका है, जेएमएम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं, उधर सीएम आवास में भी हलचल बढ़ गई है। कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? मुख्यमंत्री पहुंचेंगे आज रांची? जो बैठक हो रही है, तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं सीएम आवास, क्या अब वो वक्त आ गया जो प्लान बी जेएमएम ने तैयार कर रखा था? क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए, अभी कुछ देर पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं और निजी कार्यों को लेकर वो दिल्ली गए थे। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो ऐसे अधिकारी हैं वो उनके संपर्क में हैं और मंत्री हैं वो भी उनके संपर्क में हैं। और यहाँ जो झारखंड में चल रहा है वो कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से डराने की कार्रवाई की जा रही है और सीधी तरीके से जो है ईडी और भाजपा को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की। झारखंड की सरकार है, झारखंड हित में काम कर रही है। हम बीजेपी केंद्र सरकार जो शासित है, ये जो संवैधानिक काम को जो है उससे झारखंड सरकार को परेशान करने का प्रयास कर रही है। हम राज्यपाल से यही मांग करते हैं कि जो झारखंड सरकार हित में जो काम कर रही है उनको लोकतंत्र में इनको वोट के माध्यम से लोकतंत्र संविधान के तहत मत पर्व है विपक्ष का झारखंड हित का बहुत बढ़िया से प्रयोग कर रहे हैं, झारखंड में काम कर रहे हैं। हम राज्यपाल से यही मांग करते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री को बर्बाद ना किया जाए। कार्यकर्ता है वो सड़क पे है और अब राज्यपाल के शरण में जाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राज्यपाल के पास जाएंगे, उससे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आदिवासी के जो नेता है हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है झारखंड के, उनको परिसर न किया जाना चाहिए। कुछ लोग और हैं उनसे बात करेंगे, सड़क पे उतरे हुए हैं। आज हम लोग हेमंत सोरेन के आए हुए हमारा जो का जो का जो चल रहा सिलसिला जल्द से जल्द बंद करे, ये तो एक अभी बाकी है, अभी पूरा बाकी है। अगर उनको हेमंत सोरेन से एक जरा से भी अगर कहा जाता है या किसी भी प्रकार का उनको परेशान या दिक्कत किया जाता है, हम लोग पूरे। चलिए, तो ये तस्वीरें आपको बीच बीच में हम दिखाते रहेंगे। जेएमएम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और लगातार ईडी और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जानबूझकर मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, आदिवासी मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रही बीजेपी और इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं, ईडी से एक्शन करवाए जा रहे हैं। बहरहाल नीरज, अपने जवाब कंप्लीट करिए, क्या कुछ जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है? देखिए, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निजी कार्यों को लेकर जो है दिल्ली गए हैं और जो तमाम बातें कही जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्रेसलेस होने की बात की जा रही है, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां पर है इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। ये तमाम खबरें जो है और जो बातें हैं वो सामने आ रही है, उसको भी कहीं ना कहीं जो है उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं, उनके संपर्क में हैं और तमाम लोग जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही रांची आ जाएंगे। और जो ईडी की कार्रवाई हो रही है उसको डराने वाली कार्रवाई कहा है, उन्होंने कहा है कि ईडी की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है कहीं ना कहीं हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, डराने का प्रयास किया जा रहा है। और ये भी कहा है कि लगातार जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है जवाब देते रहे हैं और 31 जनवरी को भी पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समय दिया है। ऐसे में इस तरह की तमाम जो अटकलें लगाई जा रही हो वो कहीं ना कहीं गलत है। और जिस तरह से जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम सामने आया है और जिस जमीन की बात की जा रही है जो कि बड़काई अंचल के अंतर्गत आता है, वो जमीन भुइयारी है, ऐसे में कोई उसे खरीद नहीं सकता है और इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम जानबूझकर घसीटा जा रहा है, उनकी छवि खराब की जा रही है। और जो जानकारी ईडी अधिकारियों ने मांगा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वो तमाम जानकारी
जो हलफनामा इलेक्शन कमीशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दाखिल किया है उसमें उस बात का जिक्र है, उसके अलावा कोई और जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास नहीं है जो कि जानकारी और दिया जा सके। और जिस तरह से पूछताछ हुई थी 20 जनवरी को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम सवालों के जवाब दिए थे, और अगर ईडी के अधिकारी जो है और पूछताछ करना चाहते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तो वो पूछताछ के लिए जो है समय देने के लिए राजी हैं। तो ये बातें जो है कहीं ना कहीं जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों को कहा है। साथ ही साथ बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है, आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं जब बीजेपी देखती है कि सरकार उनके हक में नहीं है या फिर जिस राज्य में सरकार नहीं बनती है उस राज्य में कहीं ना कहीं उस सरकार को परेशान करने की कोशिश की जाती है और ईडी और सीबीआई का सहारा लिया जाता है ताकि उन सरकारों को परेशान किया जा सके, उनके नेताओं को परेशान किया जा सके, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान किया। तो तमाम इस तरह की बातें जो है लगातार से पहले भी कही गई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस या फिर आरजेडी की बात कर ले या फिर आज की बात कर ले, जहां जेएमएम के प्रवक्ता जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही रांची आ जाएंगे और जो पूछताछ 31 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होनी है उस पूछताछ में शामिल होंगे। आसिया, तो क्या ये जो 31 तारीख का वक्त दिया गया है नीरज मुख्यमंत्री की तरफ से ईडी को, उससे पहले तो अब कोई एक्शन ईडी की तरफ से नहीं होना चाहिए? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें हैं वो क्लियर की गई है, लेकिन अभी तक जब तक जो है दिल्ली से जो सूत्र चल रहे थे, जो बातें चल रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, वो क्लियर जब तक नहीं हो जाता तब तक इंतज़ार करना होगा। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने ओर से क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री उनके संपर्क में है और मुख्यमंत्री संभवतः आज या फिर कल रांची आ जाएंगे। तो ऐसे जो तमाम बातें सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं उन बातों को एक तरह से जो है विराम लगाने का काम किया है सुप्रियो भट्टाचार्य ने, और इंतजार करना होगा आसिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब रांची आते हैं और 31 जनवरी का जो समय दिया गया है 1 बजे का, जहाँ पिछले बार भी इसी तरह का जो समय दिया गया था 20 जनवरी को 1 बजे का, जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे, एक बार फिर से वही समय दिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए। तो